देखो जी, किसानों के समर्थन में अब इसलिए खड़े हैं कि सबसे बड़ी जो हमारी एक हम कहते हैं कि जिंदगी की एक किरण है, जिससे हमें सबसे क्या हमें सबसे जरूरत हमारी जो बेसिक नीड है खाना, वो खाना हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हम किसान ही करते हैं। अब ये तो है कि वही एक जो आजकल चलता है कि आप रोटी गूगल से तो डाउनलोड करके खा नहीं सकते, ठीक है नहीं? तो हम अगर किसानों के साथ ही नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? ये तो हमारी एक जड़ है, ये तो एक बेसिक नीड है, तो उसके साथ तो खड़ा होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक हम कह देते हैं कि ये जो कहते हैं कि जो ये ब्लैक लॉ है, हम ब्लैक लॉ ही बोलते हैं इनको, कि ये कहीं कहते हैं किसी से जुड़े हैं। चलो मैं कहता हूँ दो जो ब्लैक लॉ हैं वो किसानों से, जो तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो तो हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक लिमिट ही खत्म कर दी गई कि कोई भी कॉरपोरेट कोई भी कितना स्टोरी करता है, वो लिमिट ही खत्म कर दी। अब नॉर्मली हर कोई सोच के चले कि जब लिमिट खत्म हुई तो जमाखोरी बढ़ेगी, उससे तो उससे इफेक्ट किससे पे पड़ेगा? छोटे से लेके बड़े हर एक बंदे पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। संघर्ष कब तक चलेगा सर? देखो ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, हम तो कहते हैं कि हमारी मांगे आज मान लो, हम तो आज संघर्ष खत्म कर देते हैं। ये तो सरकार पे डिपेंड कर रहे हैं, सरकार ही नहीं खत्म करना चाह रही इसको। सरकार तो ये कह रही है भीड़ इकट्ठी हो रही है दो चार दिन में। देखो अगर कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी हो रही है, आज तो उसको भीड़ बोल रहे हैं, जिस टाइम रैलियाँ होती हैं अपनी, जब जिस टाइम जनसभाएं करते हैं रैलियां करते हैं तब उनको वो भीड़, तब वो भीड़ नहीं, उस टाइम उनको वोटर नजर आते हैं, उस भीड़ में अपने वोटर दिखाई देते हैं, ये हमारे वोटर हैं, और दुनिया को दिखाते हैं बड़ी बड़ी जनसभाएं करके, आधे तो पेड़ ही होते हैं उसमें जो आते हैं, और दिखाते हैं कि हमने इतने लाखों का इकट्ठा किया, इतने लाख हमारे वर्कर आए, हमारे सपोर्टर आए, तो उस टाइम उन सपोर्टर और वोटर दिखाई देते हैं, आज वो भीड़ दिखाई दे रही है। यही किसान उनको वोट डाल के जो सरकार बनाता है, यही किसान बनाता ना, यही लोग बनाते हैं, कोई और तो नहीं कि बाहर से कहीं चाइना से या अमेरिका से या किसी और कंट्री से आगे भी वोट डाल के बना देता है, जिसको आज भीड़ बोल रही। अज का जोड़ा है जी चाचा अजीत सिंह जी के उत्ते असी जोड़ा रखे, क्योंकि अज चाचा अजीत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा भी है, तो उन्होंने 9 महीने किसानी का युद्ध जोड़ा लड़िया सी, 9 महीने उन्होंने दिल्ली के अंग्रेजों के नाल इस तरह के कानून से 3, तो उन्होंने जोड़ा युद्ध लड़िया उदों उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिता सी, ते अज सरकारा फिर साड़ी पग ते पहुँच गई ने, ते अज चाहुंदियां ने कि ये जिहड़े लोग है ये दिहाड़ीदार हो जाण, मिडल क्लास खत्म करना चाहुंदी है, साड़ियां जमीनां खत्म करना चाहुंदी है, इस करके जिहड़ा असीं इस तारा दे विच इकट्ठ रख्या तां जो लोकां नूं पग दी अहमियत समझ सके। देखो जदों इहजियां मूवमेंटां चलदियां शहादतां देनियां पैंदियां हुंदियां, असीं साडी कौम दा ते लेखे लिखिया होया जी, असीं कल्ले पंजाब लई नहीं पूरे हिंदुस्तान लई इंडिया लई, क्योंकि असीं भारत माता लई लड़े हां, सदा धरती माँ लई लड़े हां, ते अज भी मसला धरती माँ दा ही है, अज साडे कोल माँ धरती जिहड़ी आ गुलाम कीती जा रही है, दोबारा गुलामी आ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਕ, ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਈਏ ਆਪਣੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਭੀੜ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 35 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਕਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਇਸੀ ਲਈ ਉਨਕਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਕਿਸਾਨ ਗੇਹੂੰ ਉਗਾਤਾ ਹੈ, ਧਾਨ ਉਗਾਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮ ਖਾਨਾ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਉਗਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਤੋ ਹਮ ਖਾਨਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਾਏਂਗੇ? ਆਜ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਯਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਮੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
तो इसीलिए हम किसानों का समर्थन करते हैं। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ और यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं आपको, ये कोई पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये सब अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये सब किसान लोग हैं, किसान के पुत्र हैं लोग, और ये किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम भी सिर्फ इसीलिए आए, हमें दुख है कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में धोखाधड़ी, एक तरह की धक्केशाही हो रही है उनके साथ में। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके साथ में अत्याचार करना आप बंद करिए। देखो आज 140वां जन्म दिहाड़ा है साढ़े चाचा जिहड़े भगत सिंह दे चाचा अजीत सिंह सीगे, वह बहुत वड्डे इनकलाबी सी। देखो बहुत उम्र उन्होंने 39 साल देश निकाला कटिया, तो फिर वो बाद इतने मेरा ख्याल 1947 वापस आए, 1947 दे विच ते उन्हां दी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सीगी। उन्हां दी खास कंट्रीब्यूशन जिसनों अज असीं इत्थे मनाउण लई कट्ठे होए आ, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई सी जिहदा नां सीगा पगड़ी संभाल वो जट्टा। असल च एक गाना गाया गया सीगा ते उहदे वल्लों दयाल साहब कोई सीगे, उन्होंने गाना गाया सी, एडिटर सी किसी अखबार के, तो उस वो गाना इन्ना ज़्यादा मूविंग सीगा, इन्ना ज़्यादा लोगों के विच उन्हें जानी भावनावां भरिया कि इन्होंने अपनी मूवमेंट का ना ही उस रैली तो बाद उस गाने तो बाद पगड़ी संभाल जट्टा हुए मूवमेंट का ना रखा जी 9 महीने चली। और उदा बेसिक मंग ये सीगी कि तुसी पानिया का जड़ा बधा रहे हैं, खर्चा बधा रहे हैं, उदा जड़ा पानी की कीमत जड़ी ज़्यादा अंग्रेजा ने कहा सी असी होर ताड़ा रेवेन्यू लवेंगे, उदे ते रेंट पावेंगे। इस तरीके ना जमीना का 25% भी उन्होंने रेवेन्यू चार्जेस वधाए सीगे। इस तरीके ना जमी किसानां दीआं जमीना जिहड़ियां उदे ते कब्जा करन लई कॉलोनाइजेशन जिहड़ा उन्होंने एक्ट लैके आए सी 1906 दे विच, ये कुल मिला के जो अज की परिस्थिति हैगी है बिल्कुल उस तरह ही लगता। उदों भी किसानों के उत्ते ओडा ही वड्डा हमला अंग्रेजों ने किया सीगा जो अज साडी सरकार ने किया। उन्होंने अजीत सिंह उन्होंने जेडे शहीद भगत सिंह दे चाचा सीगे उन्होंने अज याद करते हुए उन्होंने 140वीं बरसी के उत्ते अज असी अहद करते हैं कि असी उन्हां दीआं कुर्बानियां भुले नहीं, असी उन्होंने याद करते हुए उस ही शिद्दत दे नाल, उस ही तीव्रता दे नाल, उस ही कमिटमेंट दे नाल, उस ही इमानदारी दे नाल असीं अज फिर लड़ांगे और जित्तांगे। जे तुहाडे विच भी है लिखण दी इच्छा शक्ति, जे तुहाडे आले दुआले भी हो रहा है कुछ गलत, जे तुसी भी चाहुंदे हो समाज च सुधार लेके आउणा, तां सोचदे की हो, अज ही जुड़ो वॉइस ऑफ पंजाब दे नाल। वॉइस ऑफ पंजाब नूं पंजाब दे वख-वख शहरां च पत्रकारां दी लोड़ है, साडे नाल इन्हां मोबाइल नंबरां ते संपर्क करो 9146-00441, 9788-00870। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ voiceofpunjabtv@gmail.com।